आई होप सो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, ठीक है? तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेट मत होइए या किसी चीज़ के नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है? क्योंकि ये पेपर ऐसा जानबूझ के दिया गया ताकि इससे आपको ये पता चले कि आपको अभी और प्रैक्टिस करनी है। अगर कम नंबर आए हैं तो नंबर अच्छा है इस पेपर में, अगर आप 60-70% पे अगर आप स्कोर कर रहे हो या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, इट मीन्स आप यू आर वेल एंड गुड। और नहीं है जिस बच्चे के 70% से कम मार्क्स है, they need to do work hard on this topic, ठीक है? Now coming to our questions, ठीक है? Let us discuss our questions. Now our first question is, okay. Now first question, angular speed of the electron in the nth orbit of the बोर हाइड्रोजन एटम। देखो एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट उसने फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे। एंगुलर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vn बाय rn। ये एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ही होता है, और vn मुझे पता है, जबकि vn क्या होता है, vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो एंगुलर स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/n³ के। आई पसंद तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 47 क्या मतलब, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर अगर जेड 37 दिया हुआ, तो जेड की वैल्यू 37 है, ठीक है? तो हम कैसे करें, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद आएगा 4p, राइट? तो यहां तक होगा 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 4p6 5s1। तो 5s1 आपका आउटर मोस्ट शेल हुआ, मतलब n इक्वल टू क्या होगा आपका 5, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू +1/2 या -1/2, दोनों हो सकता है। इसका आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा 47 का आपका आंसर हो रहा है बी, सॉरी 47 का आंसर आपका ए होगा, राइट? ए, 47 का आंसर होगा ए, ठीक है? नाउ कमिंग टू 48, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन लाइन ऑफ अ लाइमन सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम हैड टू सैटिस्फाई द फॉलोइंग, ठीक है? कोई फ्रीक्वेंसी है लाइमन सीरीज का, वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। अब कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि इट इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर लाइमन लाइन एंड द बार्नर लाइन, ठीक है? इट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन लाइन, बाल्मर लाइन और पास्चर लाइन, चलो ये भी ठीक है। इट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन लाइन, पास्चर लाइन एंड नो ब्रैकेट लाइन, बट ब्रैकेट लाइन को इंक्लूड नहीं किया है। तो बोला इसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो देखो उसने लाइमन बोल ही दिया, चलो देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला उसने क्या बोला, इट इज द सम ऑफ लाइमन, देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज द बोल रहा है अनदर लाइन ऑफ लाइमन, मतलब अनदर लाइन ऑफ लाइमन मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, लाइमन एंड बाल्मर, ठीक है? लाइमन एंड बाल्मर, ठीक है, लाइमन एंड बाल्मर का सम होना चाहिए, मतलब या तो ये यहां से ऐसे आए और यहां तो ये ऐसे है, तो एक्चुअली में 4 से 1 का, देखो अगर मैं बात करूं मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लाइन कौन सा हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का लाइन यही हो सकता है 4 से 1। मैं ये मान लो ब्रैकेट को मैं एक बार इंक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में होगा क्या ना, बेसिकली आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा, ये स्टेप, ये बेसिकली क्या होता है, ये लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करना रहता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है मेरा, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है? अब क्या बोल, इट इज द सम ऑफ सर्टेन लाइन, लाइमन बाल्मर एंड पास्चन, मतलब अगर यहां से चल रहा है यहां तक, लाइमन पास्चन भी है, बाल्मर भी है और ब्रैकेट भी है, ये भी है, बाद में क्या, इट इज द सम ऑफ लाइमन लाइन एंड अ पास्चन लाइन, मतलब एक-एक यहां पे पास्चन से ऐसे जा रहा है और फिर एक ऐसे जा रहा है। ऑब्वियस बात है ये तीनों, ये जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों सैटिस्फाई करता है इस ऑप्शन को, मतलब n1 आपका 4 होना चाहिए और n2 आपका क्या होना चाहिए, 1। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके? तो ये हम इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नाउ
ये आपको समझ में आया होगा बेटा, ये आपको ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा, 48 नंबर इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है नाउ, ठीक है ठीक है नाउ, अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने यही ऑप्शन क्यों चूज किया। देखो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो लाइन चूज किया है वो लाइमन सीरीज का लाइन है। लाइमन सीरीज का लाइन का फाइनल ट्रांजिशन तो मेरा 1 पे होना चाहिए, तो फाइनल ट्रांजिशन तीन तीन ऑप्शन में हो रहा, 48 की बात कर रहा हूं, ए सी और डी। ठीक है अब आप बोल सकते हो सर सी क्यों नहीं हो सकता, सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पास्टन फिर यहां पे मतलब आपका जो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2, क्योंकि देखो पास्टन इंक्लूड कर रहा है, मतलब आपके पास चॉइसेस सिर्फ आपके पास कौन सा है, ए और डी। अब ये दो ऑप्शन ऐसे कट गए, ए और डी ऑप्शन में क्या है भैया, ए, चलो मैं ए भी चूज कर लेता हूं 3-2-1, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भैया। पहला अगर मैं सपोज करो ऑप्शन ए चूज, आपको समझ में आया, बी तो गलत हो चुका है, बी तो पहले गलत हो चुका है, सी हम इंक्लूड कर दे सकते हैं क्योंकि वो मेरा ऑप्शन स्टेटमेंट 3 जो इट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन लाइन एंड अ पास्टन लाइन बट नो ब्रैकेट लाइन, इसको सैटिस्फाई नहीं करता है, तो मेरे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है अब मैं इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं, ऑप्शन ए के पीछे क्या लॉजिक है भैया, अगर मैं ऑप्शन ए मानता हूं तो चलो पहले स्टेटमेंट इट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर लाइमन लाइन बालमर है, मतलब लाइमन लाइन एंड बालमर लाइन ये और ये, यस चलो सही है 3-2, लेकिन क्या इट इज द सम ऑफ लाइमन लाइन एंड पास्टन लाइन, लाइमन पास्टन के लिए ये वाला लाइन होना चाहिए और वहां से लेकर यहां तक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा मुझे 3-2 में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अगर मैं आई इक्वल टू 4 से लेकर ये करता हूं तो ये मेरे चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन मेरे क्या हो रहे हैं करेक्ट हो रहे हैं, तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है हां 48 नंबर हो चुका है मेरा यहां पे। ठीक है 49 नंबर, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज एग्जैक्टली, ठीक है द डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन, हां ठीक है तो mvr इक्वल टू क्या होता है मेरा nh अपॉन 2 पाई। ठीक है और क्या मैं mv को लिख सकता हूं nh अपॉन 2 पाई r, उसने क्या बोला है फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो mv बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई r। ठीक है अब mv को मैं क्या लिख सकता हूं h अपॉन लैम्डा और h अपॉन 2 पाई r, तो h कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो एग्जैक्टली सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट मतलब ऑप्शन बी, 49 का जो मेरा होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है नाउ 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा PQRS, देखो जीमन इफेक्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो इलेक्ट्रॉन और नो टू इलेक्ट्रॉन इन इक्वेशन एन एटम कैन हैव ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही है पी का 4 है मेरा, देखने से पता है जीमन इफेक्ट ऑब्वियस है, मैग्नेटिक इफेक्ट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगता है वही जीमन इफेक्ट होता है, तो ये पी क्यू का मेरा हो जाएगा 3। अब ऑप्शन ए और बी तो मेरा सेम है, चलो ऑप्शन ए ही मेरा क्या है करेक्ट है क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। ठीक है तो 50 का आंसर मेरा क्या होगा 4-3-2-1, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमें टाइम बचाना है, दो ऑप्शन मेरा करेक्ट है, चारों में से देखो कौन सा ऑप्शन रिसर्वल करो डायरेक्ट टिक मारो उसको। ठीक है 51, द क्वांटम नंबर विच डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर विच डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन, देखो एन क्या रिप्रेजेंट करता है एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, distance of the nucleus represent करता है, l क्या represent करता है shape of the orbital represent, but orientation कौन represent करता है magnetic quantum number, तो 51 का c। ठीक है now 52, consider the following statement, चलो ठीक है splitting of a spectral line occurs when placed in a magnetic field or electric field, बिल्कुल सही बात है, in case of 1s orbital the density of the charge cloud is the greatest at the nucleus, बिल्कुल सही nucleus के पास density ज्यादा रहती है, falls off with the density at a particular distance uniform, कहने का मतलब कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी घटते जाएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन टू पी ऑर्बिटल, ऑब्वियस बात है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है क्योंकि वो डंबल शेप का होता है, बिल्कुल सही है, पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, पी ऑर्बिट बोलता था तो वही ऑप्शन स्टेटमेंट सही होता था, बट ऑर्बिटल तो दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 गलत, स्टेटमेंट 4 गलत है, इसका मतलब आपके पास
52 का ऑप्शन बी ही है, एक ऐसा जो 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, बाकी हर तीनों ऑप्शन 4 को इंक्लूड कर रहा है, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, 53 की बात करें, 53 बोला था लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और एच एटम हैज वेवलेंथ लैम्डा 1। ओके, नाउ स्टेटमेंट समझो, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब ये हुआ n2 तो मेरा 1 होगा, बट n1 मेरा क्या होगा, इनफिनाइट, तो 1 / लैम्डा बराबर क्या होगा, rh, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो z तो मेरा हो जाएगा 1² 1/1² -1/∞² ये 0 हो जाएगा, तो 1 / लैम्डा 1 = होगा rh। ठीक है, नेक्स्ट उसने किस कौन सा बोला मुझे, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब होगा n2 तो मेरा क्या होगा 2, बट n1 क्या होगा मेरा 4, n2 तो मेरा 2 होगा बट n1 क्या होगा मेरा 4, क्योंकि 3 से 2 गया तो पहला लाइन, 4 से 2 जाएगा तब बाल्मर का दूसरा लाइन होगा, तो लैम्डा 2 बराबर जो होगा rh, z² तो 1 होगा अगेन, इनटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/416। ठीक है, तो ये हो जाएगा RH into 16 माइनस 4 3/16, ये हो जाएगा 1 by lambda 2 की वैल्यू, तो lambda 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 by 3 RH, और यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 by RH। ठीक है, उसने क्या पूछा है मेरे से, ओके कुछ नहीं पूछा, इक्वेशन में पुट करके देखना, लैम्डा 1 / लैम्डा 2, लैम्डा 1 मेरा है 1 by RH, 1 by RH है, और ये है ऊपर 3 RH, इनवर्स में चला जाएगा इनटू 16, दिस और दिस कैंसिल, तो 16 by lambda 2 = 3 by lambda। ऑप्शन क्या, 16 by lambda 2 = 3 by lambda 1, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 55, फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल इज सेम एज द जेड इफेक्ट ऑफ 2p ऑर्बिटल, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज द 2, अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा ये जेड इफेक्ट है, आपको थोड़ा बहुत पीरियडिक टेबल में पढ़ना है, बट इसका जो ऑप्शन है तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, पहला तीन ऑप्शन देख के बच्चा छोड़ दिया होगा, बट इसमें करेक्ट आंसर है नो, द टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल विल हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर बट ऑफ अपोजिट साइन। ऑब्वियस बात है, 2s ऑर्बिटल में जो प्लस, ये कितने साइन का होता है, प्लस हाफ का होता है और ये होता है माइनस हाफ, दोनों के वैल्यूज उसके सेम है बट है तो अपोजिट साइन के ना, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बाकी तीन ऑप्शन से मुझे कोई मतलब था भी नहीं। ठीक है, नाउ 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे, वेरी गुड आंसर, जल्दी बोलिए क्या होगा, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैथोड रे, समझ में आया, नेवर ट्रू, कैथोड रे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है, हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है, मैकेनिकल प्रोसेस प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ये भी सही बात है, बट क्या सही बात नहीं है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये गलत बात है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ 57, 57 क्या बोल रहा है, द अजीमुथल क्वांटम नंबर कुड हैव द वैल्यू ऑफ n, अगर मान लो l की वैल्यू n, n इक्वल टू n होता है तो, उसने ऐसा बोला है क्वेश्चन में, अपने से मानना नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैनेडियम का क्या होगा, देखो इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ अजीमुथल क्वांटम नंबर कुड हैव, कुड इफ बोला, देखो उसने कंडीशन दी है कि अगर मैं n की और l की वैल्यू सेम मान के चल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 23 का क्या होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा ये, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो सपोज करो n l ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सपोज कर अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 पहले होती थी, मतलब l की वैल्यू सिर्फ 0 होती थी, लेकिन अब क्या बोला है, l की वैल्यू और n की वैल्यू बराबर आपको देनी है, मतलब ये भी इसकी वैल्यू ले सकता है और 0 और 1 अब दोनों होगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि इफ द अजीमुथल क्वांटम नंबर कुड हैव वैल्यू ऑफ n, मतलब ये n की वैल्यू के बराबर हो गई है, अब ऑर्बिटल ऑफ 1 के पास कौन-कौन से होंगे, 1s होंगे और 1p होंगे, अब इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, चलो ऐसे ही करके देखना है, 2 रहा तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 मतलब 2s 2p 2d। ठीक है,
ये करेक्ट नहीं है, ये ऐसा मानना मत, ये उसने ऐसा माना, अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें तो आपको पता ही, इसमें दो होगा, आगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो होंगे, इसमें छह होंगे, इसमें कितने होंगे, दस, थ्री रहा तो कितना, जीरो वन टू थ्री, मतलब ये होगा 3s, 3p, 3d और 3f। देखो इलेक्ट्रॉन में उसने कोई चेंजेस नहीं किया, जो एज इट इज हमारे पास पुराने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z23 का कितना होगा, तो Z23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। हाँ, अब पहले आपको n plus l का रूल भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आउटबोर रूल जो हम डिसाइड करते हैं, आउटबोर रूल अब चेंज हो जाएगा थोड़ा, आउटबोर रूल चेंज कैसे हो जाएगा, n plus l रूल, जिसकी n plus l रूल की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बनेगा, तो 1s होगा। अब तो 1s में 2p और 1s की वैल्यू, 1p और 2s की वैल्यू क्या है, सेम है, अभी भी किस में जाएगा, अभी भी 1p में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, 2p में जाएगा, 2p का 3d, 2 और प्लस 2p के बाद आएगा 3s, ठीक है। आई होप सो n plus l वाले आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2p के बाद 3s में जाएगा, फिर 2d में जाएगा और उसके बाद आएगा 3p, so on, ठीक है। मेरा यहां तक काम हो जाएगा, 1s2 23 का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 2 इसमें चलेगा, 1p 6 चलेगा, 2s2 2 6 4 10, 2p 6 16, 3s2 18, 18 2d 5 2d 5, तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरे हिसाब से, 3s2 2d 5, ये ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अगेन ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, हां सही बात है, न्यूक्लियस तो स्फेरिकल होता ही है। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए मास नंबर ए इज गिवन बाय, हां ये हमने फार्मूला पढ़ा था ना, rn इज इक्वल टू r नॉट a का पावर 1/3, तो यहां पे उसने r नॉट की वैल्यू दी है कितनी, 1.25 10^-13, या उसने दिया r नॉट की वैल्यू, और बोला अगर रेडियस ऑफ एटम मेरा कितना है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम है 1 angstrom, कितना है 1 angstrom, मतलब ये दिया हुआ 10^-8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाला मेरा न्यूक्लियस सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में मान लिया। नाउ फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक पार्ट, ठीक है, तो पहले मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल लूं, तो rn मतलब 1.25 10^-13 इनटू, अब एटॉमिक मास उसने कितना दिया, 64 का पावर 1/3, मतलब 4 का पावर क्यूब बाय 3, तो 1.25 इनटू 4 इनटू 10 का पावर -30 सेंटीमीटर, तो दैट्स नथिंग बट 5 इनटू 10 का पावर -30। नाउ इज दैट क्लियर, नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ एटम उसने पूछा, यही रेशियो कि आखिर कितना न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करेगा एटॉमिक एटम के वॉल्यूम में, वो तो वे 4/3 पाई rn का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटॉमिक क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल, rn क्यूब इज नथिंग बट 5 का क्यूब इनटू 10 का पावर -39 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ra का क्यूब, कितना हो जाएगा 10^-8 का, मतलब 10^-8 का और क्यूब, मतलब 10^-24 सेंटीमीटर क्यूब, दिस और दिस कैंसिल, तो 125, 5 का क्यूब और ये ऊपर चला जाएगा, कितना आना चाहिए, ये 6 और 9 15 10^-15, ओके, सो दैट्स नथिंग बट ये जो ऑप्शन आएगा मेरे हिसाब से 1.25 10^-13, तो दैट्स ऑप्शन बी, काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं था हमें इसमें, आप इजी कर सकते। द नियर यूवी फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर एब्जॉर्ब बाय अ गैस एंड देन रीएमिटेड एज टू फोटोन, one photon is red with wavelength 760, hence the wavelength of second photon is कितना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये तो, 59 ना, ओके, क्या बोल रहा है, कोई एक गैस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, absorb कर रहा है 300 नैनोमीटर का, ये क्लास में मैंने कराया हुआ है,
अब बाद में 2 नैनोमीटर क्या कर रहा है, अब एमिट कर रहा है, एक एक का वेवलेंथ है 760 और एक का आपको बताना है कि कितना होगा। तो कुछ नहीं, HC by lambda इज इक्वल टू क्या होगा, HC by lambda 1 प्लस HC by lambda 2, एनर्जी कंजर्वेशन, HC 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 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/300 आपने दिया, 1/760 माइनस 1/λ2, तो यहां से 1/λ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/760 माइनस 1/300। ओके ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आता है 59 का, ये जो वैल्यू आएगा λ2 आएगा यहाँ से 496 नैनोमीटर। ठीक है, 496 नैनोमीटर। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्या बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना था इसमें। नाउ 496 नैनोमीटर, ओके ये ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसको डेसिमल में कैलकुलेट करके देखना और रिवर्स कर दोगे तो 496 आएगा लैम्डा 2 के वैल्यू। ठीक है, नाउ 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60। देखो अब ये 60 के बाद थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाले क्योंकि इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान है, भले इनमें कैलकुलेशन होगा ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है, बट लेवल बहुत आसान है क्वेश्चंस का। ठीक है, शॉर्टेस्ट, तो पहले तो एक काम कर लेता हूं, मैं सारे चीजें कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन का मतलब यह हुआ कि एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए, N2 तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, N1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मुझे Li plus 2 के लिए निकालना है, ये सारी चीजें मुझे किसके लिए निकालनी है, Li plus 2 के लिए और हाइड्रोजन के लिए। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन इन लाइमन सीरीज इज x। ठीक है, पहले मैं यहां से क्या जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट सेम इन लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना, तो वही N2 तो मेरा इनफाइनाइट होगा, N1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/λ बराबर क्या होगा, RHZ² तो 1 हो जाएगा, 1/² 1, तो 1/∞² तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, RH, और उसने ये लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, 1/x = RH, मतलब RH की वैल्यू 1/x आ गया, क्योंकि उसने x दिया हुआ। देखो क्या बोल रहा है, Li plus 2 के लिए shortest wavelength, तो मतलब 1/λ क्या होगा, RH into Z² मतलब मेरा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन लिया लेते हैं मतलब 9 into 1/1² minus 1/∞² this is 0, so that's nothing but 1/λ, RH की वैल्यू 1/x लिख सकता हूं मैं वहां से, into 9, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, x/9। तो यहां तक आपको समझ में आया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब मेरा क्या हो रहा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर, पहले मैं शॉर्टेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करने के बाद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर का मतलब ये हुआ, मतलब शॉर्टेस्ट ये हुआ कि N2 तो अगेन मेरा इनफाइनाइट होगा, बट N1 तो मेरा कितना होगा, 2 होगा, तो 1/λ अगेन RHZ² मतलब 9 into 1/4 into 1/∞, सॉरी माइनस 1/∞² ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/λ बराबर RH अगेन मेरा 1/x वहां से into 9 into 1/4, तो ये मेरा लैम्डा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा लैम्डा आ रहा है ये आ रहा मेरा 4x/9, क्या है 4x/9। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब N1 तो मेरा अगेन कितना होगा 2, लेकिन N2 मेरा कितना होगा 1,
ये मेरे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा, ये सब चीजें मैंने आपको कराई हुई पहले भी, तो आई होप ये सब आपको समझ में आता है। 1 बाय लैम्डा आर एच इंटू 9 इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय 4 सॉरी n2 मेरा हो जाएगा 2, n2 2 हो जाएगा और n1 मेरा हो जाएगा 1। तो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। नाउ RH की वैल्यू 1 बाय x है इंटू 9 है, 1 बाय ये कितना हो जाएगा 3 बाय 4, तो दैट्स नथिंग बट लैम्डा बराबर हो जाएगा 4x बाय 27 लैम्डा बराबर। तो अब देखो पी क्यू आर एस तीन कैलकुलेट किए, चौथा वही है। पी के लिए मेरा क्या आ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आ रहा है x बाय 9, तो दैट्स नथिंग बट 3। क्यू के लिए मेरा आ रहा है 4x बाय 27, तो दैट्स नथिंग बट 4। आर के लिए मेरा क्या आ रहा है 4x बाय 9, तो दैट्स नथिंग बट 2। और एस के लिए मेरा ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन है 3, 4, 2 और ये 1, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी जो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 60 राइट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन नंबर 60 था, 659 हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन 61 सजेस्ट टू ट्रांजिशन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द एटॉमिक ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना भैया कि आपको हर एक ऑप्शन पुट करके देख चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो पहले इसमें क्या-क्या ऑप्शन दिया, फर्स्ट लाइमर दिया हुआ फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइमर दिया हुआ फर्स्ट लाइमर एंड फर्स्ट बाल्मर फर्स्ट फास्टन, ठीक है। चलो पहले मैं एक एक करके देख लेता हूँ। फर्स्ट लाइमन मेरा, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसके लिए स्पीड आनी चाहिए। फर्स्ट लाइमन मेरा आगे क्या होगा, ये मेरा होना चाहिए फर्स्ट लाइमन। फर्स्ट लाइमन क्या बोला, वेव नंबर का रेशियो मुझे चाहिए, मतलब 1 बाय लैम्डा, तो दैट्स नथिंग बट वेव आर एच। हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन तो 1 ही हो जाएगा into 1, first Lyman मतलब first Lyman का transition मतलब 2 से 1 होगा, तो that's nothing but 1 by 1 minus 1 by 4, तो that's nothing but 3 RH by 4, ये पहला होगा। first Balmer इसका कितना हो जाएगा RH into 1 by फर्स्ट बाल्मर लाइन कौन सा होगा आपका N3 से N2 तक, N2 तो मेरा 3 होना चाहिए, N1 क्या होना चाहिए मेरा 2 होना चाहिए, N1 तो ये कितना हो जाएगा N1 स्क्वायर मतलब 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर, तो दैट्स नथिंग बट RH जो हो जाएगा मेरा, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं 9 माइनस 4 तो 5 बाय 36, ओके। फर्स्ट पास्चन ट्रांजिशन, फर्स्ट पाचन ट्रांजिशन का वेव नंबर होगा, फर्स्ट पाचन क्या होना चाहिए 4 से 3 होना चाहिए मेरा, तो RH into 1 4 से 3 मतलब 9 minus 1 by 16, तो RH into 7 by 144 और फर्स्ट ब्रैकेट भी कर लेते, चलो फर्स्ट ब्रैकेट तो वेव नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट जल्दी बताओ कितना होगा मेरा कहां से कहां 5 से 4, तो 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 16, तो 1 बाय 25 माइनस 1 बाय जो 16 होता है वो हो जाएगा 9 बाय 400 RH इनटू 9 बाय 400। अगर मैं फर्स्ट लाइमर और फर्स्ट पास्टन को डिवाइड करता हूं तो 3 RH बाय 4 इज टू कितना होगा 7 by 144 RH, RH क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 is to 7 by 36, ठीक है, और 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो 108 is to 7, तो ये आपको हर एक चेक करके देखना पड़ेगा। तो 61 का आंसर जो था वो था मेरा फर्स्ट लाइमन एंड फर्स्ट पास्टन, 61 का डी मेरे हिसाब से ऑप्शन है राइट।
लाइमन इज टू फर्स्ट एंड राइट, 61 का डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 61 थोड़ा लेंथी था, आप स्किप कर सकते थे। स्मार्ट आदमी ये होगा कि इस क्वेश्चन में ना फंस के वो कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और लास्ट में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, आपको थोड़े कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बस इतना ही सही है इसमें। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वेव, 62 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट वुड बी एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब कितना वेवलेंथ होना चाहिए ताकि इतना से इतना आ जाए। चलो ठीक है, तो डेल्टा e बराबर मेरा क्या होता है, 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर। ठीक है, और डेल्टा e बराबर मेरा ये फार्मूला भी होता है 13.6 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, नो इशू, मुझे तो लैम्डा से मतलब है, तो डेल्टा e बराबर हो जाएगा 13.6, हाइड्रोजन एटम दिया होगा मतलब 1 हो जाएगा इनटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर मतलब 13.6 इनटू 8 बाय 9, 8 बाय 9 तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1240 बाय डेल्टा ई, तो 1240 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरे हिसाब से आएगा 103 नैनोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉट पॉसिबल, ऑप्शन 1 पॉसिबल है, ऑप्शन 2 पॉसिबल है, बिल्कुल है क्योंकि दो भर चुके हैं, 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं क्योंकि 1s2 2s2 सही है, लेकिन 2px2 2py1 ऐसा पर पेयरिंग हम तभी तक करते हैं जब तक कम से कम सब में एक-एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, मतलब px py और pz में एक इलेक्ट्रॉन जाता था तब पेयरिंग होता था, तो ये आंसर सही था, मतलब इंस्टेड ऑफ दैट ये देता था 1s2, ऑप्शन सी की बात कर रहा हूं मैं, 63 का ऑप्शन सी 1s2 2s2 सही था, 2px1 2px2 2py1 और 2pz1 भी होता, अगर होता 2pz1 तो ही ऑप्शन सही होता था, इसका मतलब पेयरिंग हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कम से कम सब में एक-एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। ठीक है, क्या बोला, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 396 एंगस्ट्रॉम टू प्रोवाइड एनर्जी 1 जूल, टू प्रोवाइड एनर्जी 1 जूल, एनर्जी 1 जूल दिया हुआ, इसका मतलब यह है क्या, मैं इसको 1 बाय 1.6 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। अब मेरा फार्मूला क्या होता है, 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर में, 1240 नैनोमीटर में, सॉरी क्या 12400 बाय लैम्डा आर्मस्ट्रांग, ये एक फोटोन के लिए होता है, ऐसे मुझे n फोटोन का निकालना है, तो ये अब मेरा फार्मूला करेक्ट है, तो e मेरा कितना दिया है 1 बाय 1.6 10^-19 और 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दिया है आपका 3960 into n, तो यहां से आप अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जो n की वैल्यू आती है मेरे हिसाब से ये जो आएगा n की वैल्यू कितने आ जाएगा 3960 डिवाइडेड बाय 1.6 10^-19 into 1240, तो दैट्स नथिंग बट 2 into 10 का पावर 18। ठीक है, इतना मेरे पास क्या आएगा 64, दिस इज नॉट योर 60, दिस इज 64, ओके 64 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका ये सॉल्यूशन है, 64 का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है भैया, ठीक है, अनसर्टेनिटीन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, अनसर्टेनिटीन पोजीशन विल बी, बहुत आसान है, डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपको दिया हुआ है, x पूछा है, h और 4 पाई की वैल्यू आपको बताइए, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसको डायरेक्ट आंसर बता रहा, 65 का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 66 फॉर द ऑर्बिटल विद द एजीमुथ क्वांटम नंबर l = 1, l = 1 का मतलब 66 का मतलब p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, b डंबल शेप होता है, l = 1 मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 67 की बात करते हैं, For which of the following set of quantum number n LMS electron will have the highest energy? Okay, आपको देखना, option A 4D, option B 3D, option C 4S दिया हुआ है और option D 5S दिया हुआ है। अब आपको confusion होगा 4D, 4D मतलब 4 2 6, मतलब obviously बात है 4D की energy क्या होगी?
ज्यादा होगी तो 67 का ऑप्शन ए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं कर रहा हूं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा इन सब चीजों में। प्रेजेंस, चलो प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हंस रूल। क्या होगा? हंस रूल। क्यों? नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने एटम होते हैं? 3, 3 अनपेयर्ड। क्यों? यही तो हंस रूल कहता है कि कम से कम मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाना चाहिए, तो उसके बाद ही आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम पेयर कर सकते हैं, ठीक है। 69 नंबर, 69। Which of the following is incorrect for the Bohr model of hydrogen atom? Angular momentum is quantized, सही है। Mass of proton is ignored, सही बात है। Mass of proton ने ignore कर दिया था। ऑप्शन ए गलत है, क्यों? फोर्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये तो सही था, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर था। इन एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिया तो 69 का ए गलत है, मतलब ए आंसर है जो कि स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ सी प्लस द नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड, सबशेल ऑक्यूपाइड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, थोड़ा वैसा वाला है। सीयू प्लस, Cu plus मतलब 29 to 28, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ये कॉपर का होता था, लेकिन Cu plus होने से 4s1 के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब पहला उसने क्या पूछा? नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड, तो सेल कितने? 1, 2, 3, तो शेल तो आपके पास 3 ही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला? सबशेल आपके पास कितने ऑक्यूपाइड हुए टोटल? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबशेल ऑक्यूपाइड हुए आपके पास। और उसने क्या बोला है? फिल्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने हैं? फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल 1s में 1, 2s में 1 और 1 2, 2p में 3, 3 2 5, 1 6, 6 3 9, 9 और 5, 9 और 5 14, ठीक है। और उसने क्या बोला? एयर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो भैया क्या हो जाएंगे आपके पास? 0। तो ये ऑप्शन आ रहा है मेरा 3, 6, 14, 0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ओके 71, चलो रिलैक्स लिखते हैं इसको, ओके 71 क्या कह रहा है भैया, सुनो। फॉर एल इक्वल टू 3 द मैग्नेटिक वैल्यू, एल की वैल्यू किस पर डिपेंड है? एम की वैल्यू डिपेंड किसके पर करती है? एम की वैल्यू डिपेंड करती है माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल। तो एल की वैल्यू 3 होने पर एम की वैल्यू कहां से कहां लाइक करेगी? माइनस थ्री से प्लस थ्री लाइक करेगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा है मेरा? इंक्लूडिंग जीरो। तो ऑप्शन एक ही आपका दिख रहा है, ये है ऑप्शन बी। 71 का बी हो जाएगा 72। नाउ 72 क्या बोल रहा है? Which of the following statement is not correct for an electron that have a quantum number, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर n4 दिया हुआ है, m की वैल्यू उसने दी हुई है 2, m की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। m की वैल्यू 2 दी हुई है, इसका मतलब l का वैल्यू तो 3 होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, क्या देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में है स्पिन क्वांटम नंबर प्लस, आप बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर l इक्वल टू 2, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि l इक्वल टू 2 पे m की वैल्यू 2 एग्जिस्ट कर सकता है, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में है l इक्वल टू 3, ये गड़बड़ वाली बात हो सकती है। का जो आंसर होना चाहिए, m की वैल्यू, देखो m की वैल्यू उसने 2 दे दी है, तो L cannot be greater than M, ठीक है। L इसके बराबर हो सकता है, बट इससे बड़ा नहीं हो सकता है,
तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर L3 नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो नॉट पॉसिबल। M2 के लिए कंडीशन M2 दिया हुआ, उसने क्या दिया हुआ, M2 के लिए L3 वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि M की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक करती है, माइनस L से प्लस L लाइक करती है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। देखो बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, ये बोल रहा होगा सर कि L के M की तो वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 3 है तो क्यों नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसने M2 बोल दिया है, तो हाईएस्ट L की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, बट L इक्वल टू 3 नहीं हो सकता उस केस में। आई बात समझ, क्योंकि इस क्वांटम नंबर के लिए पर्टिकुलर की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, एमिशन ट्रांजिशन इन द पार्शियल सीरीज एंड एट ऑर्बिट N इक्वल टू 3, ठीक है। N इक्वल टू 3 दिया हुआ उसने 73 के लिए, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसने कितना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 3.29 10 का पावर 15, ठीक है, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/ n square. To calculate the value of n transition is observed as 1285 nanometer. ठीक है, लैम्डा उसने दे दिया, ठीक है। तो लैम्डा बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, c by mu, ठीक है। तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 × 10^8 divided by 3.29 × 10^15 into 3 दिया हुआ, ठीक है। तो क्या मैं इसको म्यू बराबर c by lambda लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो म्यू की वैल्यू 3.29 into 10 का पावर 15 into 1/3 square minus 1/n square, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10^8 divided by 1285, क्योंकि lambda उसने दिया हुआ 1285 नैनोमीटर दिया हुआ, कितना दिया नैनोमीटर, मतलब 10^-9 तो उसने n के वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं कैलकुलेट कर लिया इसको, और क्या, तो 1/n² को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/9 -3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 1285 × 10^-9 × 3.29 × 10^15। देखो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले इसको यहां डिवाइड कर लेंगे, बचेगा ये, तो 1/9 इधर आ जाएगा, ये 1/n² उधर चला जाएगा, तो ओवरऑल आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/25 आता है 1/n², तो दैट्स नथिंग बट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पता आ जाएगी। तो 73 का आंसर, जो 73 का आंसर होगा c, क्या होगा c। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। फार्मूला अनसर्टेनिटी का क्या रहता है, डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4π, अगर ये 0 है, इफ द अनसर्टेनिटी, सॉरी नॉट, ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो समथिंग बाय 0 बाय समथिंग क्या होता है, समथिंग बाय 0 इज नथिंग बट इंफिनिटी, तो डेल्टा एक्स यहां पे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 75 की बात करते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू विद इन 10^-12, ठीक है, देन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स अगेन इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 4π, तो डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है, तो डेल्टा पी निकाल लो, तो डेल्टा पी उसे पूछा है एच अपॉन 4π into 10^-12, आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आती है 75 का, ये जो वैल्यू आता है वो आएगा 5.27 × 10^-23, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, इन अ लार्ज स्केल व्हेन वी ऑफन लिंक टू थिंक दैट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज फिक्स्ड बाय द लिमिट ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, देयर सीम्स टू बी नो वे अराउंड द लिमिट एक्सप्रेस्ड बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन लार्ज स्केल कुड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ लेंथ कांस्टेंट कुड बी एक्सपेक्टेड। देखो
ये जो हम निकालते हैं ये बहुत स्मॉलर स्केल पे होता है, अगर लार्ज स्केल पे निकालने लगेंगे ना तो याद रखना एच की वैल्यू हमेशा क्या हो एक्सपेक्ट की जाएगी फिर जीरो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है लार्ज स्केल में निकालना। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, द ट्रायड न्यूक्लियाई व्हिच इज आइसोटोनिक 77। देखो क्वेश्चन इसमें थोड़ा घुमाया हुआ है, C6H14 इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये खुद से समझना था 7-15 और F हो जाएगा 9 और 17। ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को अगर मैंने प्रोटॉन से सब्ट्रैक्ट किया तो वही आपको न्यूक्लियस देता है 14-6 8, 15-7 8 और 17-9 = 8। तो दैट्स नथिंग बट आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम न्यूट्रॉन हो जिसके पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 78, ठीक है 78 आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज अ, आई होप सो ये मेरे बच्चे तो कर लिए होंगे, आई होप सो मेरे बच्चों में इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो ऑप्शन इसका सी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई होप सो इसका 70 यस सी आंसर है इसका, ये तो आपने कर लिया होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है 79। द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर एक्स, वेव नंबर उसने कितना दिया हुआ एक्स दिया हुआ, वेव नंबर इज नथिंग बट 1 / लैम्डा इज इक्वल टू एक्स उसने दिया हुआ है। इन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज, ठीक है E बराबर क्या होता है NHc by lambda। Now, NHc by lambda दिया हुआ है, एनर्जी 1 जूल दी हुई है, N मुझे निकालना है, HC मुझे पता नहीं, और 1 by lambda को उसने कितना माना है X माना, तो N बराबर क्या हो जाएगा 1 by HC x, मतलब ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड था, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आपसे तुरंत तुरंत हो जाएंगे, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, द फोटो द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम एटम इज नोन टू बी 1 नैनोमीटर। ठीक है, पोजीशन देखो, पोजीशन दोनों का मतलब डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन का और डेल्टा एक्स हीलियम का सेम है। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अच्छा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5×10⁻²⁶। इफ द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द मोमेंटम, तो बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, मुझे पता है कि डेल्टा पी इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4π, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनका सम क्या होता है कांस्टेंट है, जब डेल्टा एक्स दोनों के लिए बराबर है तो डेल्टा पी भी क्या होगा बराबर ही होगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा डी। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, जिन्होंने कैलकुलेट किया वो उनको पाप चढ़ेगा बहुत ज्यादा, दिमाग लगाया करो थोड़ा, ठीक है बहुत पाप चढ़ेगा, देवी मैया पाप देगी आपको, इस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो आप भी। ठीक है चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों। नाउ अनदर क्वेश्चन, एक मिनट होल्ड करना, नाउ एक मिनट जस्ट। नाउ रेडियस ऑफ विच ऑफ द ऑर्बिट इज सेम एज द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इनमें से किस किस एलिमेंट का रेडियस बराबर होगा हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट के। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब आर नॉट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, मतलब आर नॉट की वैल्यू होती है 0.529, एन स्क्वायर उसमें कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर मतलब 0.529। रेडियस सेम होने के लिए n स्क्वायर बाय z का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, r नॉट तो 0.529 ही रहेगा। तो ऑप्शन 1 में देखो, ऑप्शन 1 में n स्क्वायर बाय z मतलब कितना आ रहा है 2² / 2, तो ये कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन बी में देखो n इक्वल मतलब n स्क्वायर मतलब 2² / लिथियम 3, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो 9/3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो 2² = 4/4, ये 1, n स्क्वायर बाय z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए 0.529 के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन अजीमुथल क्वांटम नंबर, बिल्कुल किसी भी ऑर्बिटल का शेप l से पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही बात है। ओरिएंटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है,
इसी पर एक क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था ना, ओरिएंटेशन किस काउंटर नंबर पर डिपेंड करता है, दैट्स नथिंग बट मैग्नेटिक काउंटर. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये गलत स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से. यस 82 का सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, द नंबर ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल वन टाइप ऑन वैल्यू वैल्यू. हां ये भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है. और तो ऑप्शन सी स्टेटमेंट सी गलत दिया हुआ है. ठीक है, नाउ क्या बोला 83. द स्पेक्ट्रल लाइन दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेवन सेल इन द डिफरेंट हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू सेकंड सेल. ठीक है, 83 नंबर, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1. और अगर ग्राउंड स्टेट में होता तो ग्राउंड स्टेट में होता है तो वही n1 क्या हो जाता है मेरा 1 हो जाता है. तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, n2 n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, n सॉरी n इनटू n माइनस 1 हो जाता है फॉर्मूला. ठीक है, 1 1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 समथिंग बाय 5 इनटू 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 समथिंग बाय 15. तो ये आंसर जो है मेरा बी, ऑप्शन बी 82 का बी. नाउ कम्स टू 83. ओके, द नंबर ऑफ सॉरी दिस इज 83 ओनली 83 ओनली 84 द पास्चन सीरीज द वैल्यू ऑफ एन. मेरे हिसाब से ऑप्शन सी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि n2 तो मेरा क्या होना चाहिए, n2 तो मेरा 3 होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होता पास्चन सीरीज, n4 क्या हो सकता है 4 5 6 डॉट 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 इनफिनिट. ठीक है, ये आपने कर दिया होगा. ठीक है, नाउ 85 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 85, द ऑर्बिटल दैट हैज मैक्सिमम एनर्जी 6d, नो डाउट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन डी 86. बोर मॉडल ऑफ एटम इज नॉट एग्रीमेंट विद ऑप्शन ए, क्यों समझो. अरे हाइजेनबर्ग का क्या, बोर ने क्या बताया था, हम किसी भी एटम में उसका पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका रेडियस. बट हाइजेनबर्ग का क्या मानना था, एट अ टाइम हम वेलोसिटी और स्पीड कभी भी नहीं बता सकते. तो बोर ऑर्बिट और हाइजेनबर्ग में कॉन्ट्राडिक्शन था, इसलिए 86 का आंसर होगा. 87 87 का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा उसने, है ना. 87 का हो जाएगा मेरे हिसाब से n स्क्वायर बाय हाइड्रोजन स्क्वायर बाय n स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी 87 का सी. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट कर सकता हूं. 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल. ठीक है, n इक्वल टू l नहीं हो सकता है, जो आपको पहले ही बोला था. तो 88 का ऑप्शन बी होगा. 89 नंबर, 89 नंबर यदि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी, मतलब लैम्डा बराबर 100 टाइम ऑफ v बोला है, तो लैम्डा बराबर h ऑफ क्या बोला है, देन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फ्लक्स. ओके, h अपॉन mv कर दिया मैंने. अब क्या मैं h अपॉन mv को लिख सकता हूं लैम्डा बटा 100, तो मतलब मैं यहां लगा 100 h अपॉन m लैम्डा, तो लैम्डा इधर चला जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 h upon m, तो lambda is nothing but tan root h by m. ठीक है, tan root h by m. ठीक है, now इसलिए option 89 जो होगा option B is correct. ठीक है, now question number 90 आपको पता है distance psi की value directly proportional to होती है e raised to minus r by a naught. e raised to minus r by n0, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 90 नंबर. ठीक है, देखो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, पेपर थोड़ा लेंथी भी नहीं था, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं बोल सकते, पेपर थोड़ा ट्विस्टेड था. और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और मुझे जहां तक पता है ऐसे इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं बताया, या क्लासरूम में मैंने ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है. तो फॉर गॉड, फिर अगर आपको अगले टाइम और अच्छे मार्क्स आए, प्लीज 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 प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, सो आज के लिए हमारा इतना काफी हुआ. थैंक यू.